मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में कराधान करारोपण घोटाले के प्रमुख आरोपी निलंबित। लिपिक सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत गगेव राजेश सोनी और घोटाले के अन्य आरोपियों के विरुद्ध एक बार पुनः सरकार का सिकंजा कसता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट जबलपुर याचिका में सिंगल बेंच जस्टिस नंदिता दुबे द्वारा अपने आदेश में FIR में खात्मा बताते हुए याचिका को सारहीन बताते हुए इसलिए खारिज किया क्योंकि शासन प्रशासन ही यदि आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही का इच्छुक नहीं है तो न्यायालय का आगे का हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता। मामला तब हाईलाइट हो गया जब उक्त हाईकोर्ट जबलपुर के याचिका में राजेश सोनी और उसके सह आरोपियों नागेंद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को भी मामले में यह बताते हुए राहत मिली कि शासन प्रशासन ही कार्यवाही नहीं कर रहा है और तब न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता। परंतु इस आदेश के आने के बाद कराधान घोटाले को प्रदेश स्तर पर पहुंचाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और साथ में गगेव के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष संजय पांडे द्वारा मामले पर शिकायत की गई। इसके विषय में लोकायुक्त भोपाल से लेकर पंचायत राज संचालनालय और विभिन्न स्तर पर शिकायत भेजते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश को सुधारने हेतु आग्रह किया गया। वैसे देखा जाए तो मामले पर ना तो जिला पंचायत स्तर और ना ही जिला कलेक्टर और ना ही संभागयुक्त रीवा द्वारा किसी भी प्रकार से रुचि ली गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस 3 साल पुराने और लंबे चले मामले में संभाग स्तरीय जांच टीम द्वारा स्वयं कमिश्नर रीवा संभाग की कार्यवाही किए जाने का लेख किया गया था, उसी मामले को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्तर से पुनः निचले दर्जे के तकनीकी इंजीनियरों से जांच करवाते हुए क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट मिलने के बाद सभी आरोपी 22 पंचायतों की सरपंच सचिवों को हाईकोर्ट से भी राहत मिल गई, जिसमें FIR पर खात्मा भी बता दिया गया। अब जब मामला एक बार पुनः उठा और पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा अपने पत्र में CEO जिला पंचायत रीवा को बताया गया कि FIR में कोई खात्मा नहीं लगाया गया है, तब लोकायुक्त भोपाल के इस प्रश्न के बाद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा या जिला कलेक्टर अथवा संभागयुक्त रीवा के पास कौन सी अधिकारिता थी जिसके बाद ऐसे गंभीर मामले में शासन का पक्ष कमजोर करते हुए हाईकोर्ट में त्रुटिपूर्ण और भ्रामक प्रतिवेदन दिया गया और सभी आरोपियों को दायर याचिकाओं में राहत मिली। लोकायुक्त भोपाल की इस टिप्पणी के बाद मामले पर तेजी आई और एक बार पुनः संभागयुक्त रीवा द्वारा संज्ञान लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के माध्यम से महाधिवक्ता हाईकोर्ट जबलपुर को पत्र लिखते हुए मामले को डबल बेंच अथवा रिवीजन के लिए खोले जाने और अभियोजन चलाए जाने का लेख किया गया। मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में अगस्त 2019 के दौरान कराधान करारोपण 14 में वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट से संबंधित जो राशि थी वो सीधे एकल खाते में पंचायत राज संचालनालय के द्वारा दर्ज की गई थी, भेजी गई थी। इसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायत सम्मिलित थी पंचायतें और 38 ग्राम पंचायतें गंगेव जनपद की सम्मिलित थी, जिसमें 38 ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर का कराधान करारोपण घोटाले के नाम से एक फेमस घोटाला हुआ। इसमें मुख्य आरोपी निलंबित लिपिक सहायक ग्रेड 3 राजेश सोनी थे और उनके ऊपर कार्यवाहियाँ भी हुई थी, FIR भी दर्ज हुई थी मनगमा थाने में। इसके बाद ये हाईकोर्ट वगैरह गए तो 14/826/2020 का एक प्रकरण था, जिसमें भी हाईकोर्ट जबलपुर की सिंगल बेंच के जजमेंट में कुछ त्रुटियाँ थी जिसमें इनको क्लीन चिट दे दी गई थी। FIR में खात्मा लगाए जाने का उसमें उल्लेख किया गया था, लेकिन वास्तव में FIR में खात्मा नहीं लगा था। इसमें 16 दिसंबर 2022 की जो प्रतिवेदन भेजा गया है संबंधित थाना मनगमा के द्वारा और SP के माध्यम से भेजा गया, उसमें बताया गया CEO जिला पंचायत के नाम पर कि इसमें कोई खात्मा नहीं लगा है, प्रकरण अभी चल रहा है, इनमें किसी विभागीय स्तर पर किसी तरह से इनको मुक्ति नहीं मिली है। परंतु त्रुटिपूर्ण आदेश दिए जाने के कारण, त्रुटिपूर्ण आदेश और त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण इनके पक्ष में फैसला हुआ, जिसको लेकर के अभी हाल ही में जो रिसेंट डेवलपमेंट है 12 जनवरी 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के माध्यम से एक पत्र क्रमांक 304 व्यवहार बाद 2023 जारी किया गया है, जो महाधिवक्ता जबलपुर उच्च न्यायालय के नाम पर है, जिसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि इस प्रकरण को दोबारा अपील के लिए मतलब ओपन किया जाए, जिसमें इसमें डबल बेंच में जाने और अपील की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत इसमें जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि को सुधार करते हुए इनके ऊपर पुनः महाभियोग चलाए जाने के लिए, मतलब इनके ऊपर प्रकरण चलाए जाने के लिए पुनः उन्होंने अनुमति मांगी। इस तरह से रिसेंट डेवलपमेंट है
12 जनवरी 2023 का ये पत्र है, अभी अभी जारी हुआ है। और इससे एक बार बहुत स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका में भी गलतियां इस तरह से होती हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अब कैसे हुई, क्यों हुई, अपने आप में विचार का प्रश्न है। और इसमें जो माननीय न्यायालय है, इसमें इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे जो आरोपी हैं, जो दोषी जो सिद्ध हो, मतलब दोस्तों कोर्ट सिद्ध करेगी, लेकिन आरोप इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं गबन के, 420 के, 12 से 13 करोड़ के कराधान घोटाले के, तो इस पर निश्चित तौर पर एक नई उम्मीद जगी है।